नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 25 सितंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक सवाल रहेगा आज की, क्या हिमाचल में भाजपा मिशन रिपीट कर पाएगी या नहीं, क्या हिमाचल में भाजपा द्वारा से सरकार बना पाएगी या नहीं, यस या नो, हाँ या ना लिखकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सरकार बनाने के दावे केंद्र से लेकर राज्य तक, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के किए जा रहे हैं कि हिमाचल में भाजपा रिपीट करेगी, ये मुख्यमंत्री और पीएम मोदी कह रही है। तो हिमाचल की जनता क्या सोचती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक आप जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी की सिलाई के लिए मिलेंगे पैसे, अभिभावकों के खाते में आएगी 200 रुपए की राशि। शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को पहली से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी की सिलाई के लिए 200 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए विद्यार्थियों को ये राशि दी जाएगी। विभाग ने मामले पर जिलों को एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। गौर हो कि पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों 8 लाख से ज्यादा वर्दियों के सेट मंगवाए गए थे। हालांकि इस दौरान स्कूलों में वर्ष 2021-22 की निःशुल्क वर्दी विद्यार्थियों में वितरित कर दी गई है। आम विद्यार्थियों को इसकी सिलाई के लिए 200 रुपए दिए जा रहे हैं। विद्यार्थी या उनके अभिभावकों के खातों में ये राशि डाली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को मंडी न आ पाने का मलाल, कहा हिमाचल से जो लगाव है उसमें मौसम बाधा नहीं डाल सकता। खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी नहीं आ सके, जिसके चलते उन्होंने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से मंडी की युवा संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में हिमाचल का अहम योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद मंडी पहुंचना था लेकिन खराब मौसम के चलते नहीं आ सके, इसका उन्हें मलाल है, लेकिन हिमाचल मेरा दूसरा घर है और यहाँ के लोगों से बेहद लगाव है। ऐसे में कोई मौसम या मुसीबत इसमें बाधा नहीं बन सकती है। भाजपा में ही रहेंगे अनिल शर्मा, सुरेश कश्यप ने किया खुलासा, आश्रय शर्मा भी ज्वाइन करेंगे भाजपा। मंडी सदस्य भाजपा विधायक अनिल शर्मा भाजपा में ही रहेंगे, इस बात का खुलासा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के साथ स्वयं अनिल शर्मा ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली के बाद आयोजित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पत्रकार वार्ता में भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि अनिल शर्मा हमारे विधायक और हमारे साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे। वहीं इसके बाद सदर विधायक अनिल शर्मा ने भी कहा कि पिताजी के फैसले के कारण भी भाजपा से दूर हो गए थे, लेकिन अब परिवार ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंडी जिला के साथ चलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आश्रय शर्मा भी जल्द भाजपा में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हिमाचल बनेगा वैश्विक फार्मा हब, सरकार बदलने की सोच को उखाड़ फेंकेगी जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी के पड्डल मैदान में जुटी हजारों की भीड़ को दिल्ली से वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश एक वैश्विक फार्मा हब बनेगा। देश में दवाओं के कच्चे माल की आत्मनिर्भरता के लिए चुने 3 राज्यों में एक हिमाचल है, जहां बल्क फार्मा ड्रग पार्क बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले यूपी और उत्तराखंड में ये प्रथा था कि 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, इस सोच को यूपी और उत्तराखंड ने उखाड़ फेंका है। अब हिमाचल की जनता भी इस सोच को उखाड़ फेंकेगी और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। और इसी से जुड़ा आपके लिए एक सवाल है, क्या हिमाचल में भाजपा मिशन रिपीट कर पाएगी या नहीं, क्या आपको लगता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार बोले, समय पूर्व और कितने चरण में चुनाव होंगे ये दिल्ली में होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव समय पूर्व और कितने चरण में करवाए जाएंगे ये फैसला चुनाव आयोग दिल्ली में लेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार शर्मा ने शनिवार को पीटर ऑफ शिमला में पत्रकार वार्ता में ये बात कही है। गत दिन राजनीतिक दलों के नेताओं ने अलग अलग बैठकों में आयोग को अवगत कराया कि नवंबर मध्य में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी से चुनाव प्रभावित हो सकती है। जनजातीय क्षेत्रों की 3 सीटों में 15 नवंबर से पहले चुनाव करवाने का सुझाव सभी दलों ने दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव के दौरान आयकर, आबकारी, पुलिस, खनन विभाग, बैंकों और एयरपोर्ट प्रबंधन को सतर्क रहने के निर्देश दिए है। प्रदेश के शराब, अन्य माफिया और ऐसे 2200 अपराधियों पर नजर रखने को कहा है जिनका पुलिस के पास रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि 142 मतदान केंद्रों में महिलाएं तैनात रहेगी और सुरक्षा भी महिला पुलिस के साथ ही करेगी।
हिमाचल आएगी प्रियंका वाड्रा, सुजानपुर से करेगी चुनावी शंखनाद। हिमाचल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस रैलियों की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। इसके तहत कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा 29 सितंबर को सुजानपुर में रैली कर चुनावी शंखनाद कर सकती है। माना जा रहा है कि इससे पहले पार्टी 25 प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 29 सितंबर को सुजानपुर में रैली करवाए जाने का प्रस्ताव हाईकमान को भेजा है। सूत्र बताते हैं कि रैली का कार्यक्रम लगभग तय है और प्रियंका वाड्रा के कार्यालय से अंतिम सूचना मिलने का इंतजार है। मोदी की रैली में जा रहे पांगी के युवक की मौत, लाहौल स्पीति के सिसु में पेश आया दर्दनाक हादसा। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सिसु में एक सड़क हादसे में पीएम मोदी की रैली में जा रहे युवक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार उक्त युवक को एक वाहन ने टक्कर मारी जिससे युवक घायल हो गया, कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। जानकारी कि उक्त युवक विधायक जिया लाल कपूर के काफिले में पीएम की रैली में शरीक होने जा रहा था कि घाटे के सिसु के पास एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी जिससे भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे क्षेत्रीय अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान शाम सिंह उर्फ बिट्टू निवासी करियोनी चतुर्वास पांगी जिला चंबा के रूप में हुई है। गलत टेस्ट रिपोर्ट देने पर बर्सरा अस्पताल में हंगामा, सरकारी लैब में पॉजिटिव, निजी लैब में रिपोर्ट नेगेटिव। सिविल अस्पताल बर्सर में टेस्ट रिपोर्ट को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। आरोप है कि 13 वर्षीय लड़की को गले में खराश व बुखार की शिकायत लेकर जब परिजन बर्सर अस्पताल गए तो उसका टाइफाइड का टेस्ट करने के लिए लिखा गया। अस्पताल की लैब में जब जांच की गई तो बच्ची को टाइफाइड पॉजिटिव बताया गया। 3 दिनों तक बच्ची टाइफाइड की दवाइयां खाती रही। इसी बीच परिजनों को लगा कि बच्ची को ऐसी कोई शिकायत नहीं लग रही है तो उन्होंने अस्पताल परिसर के बाहर निजी लैब में टेस्ट करवाया जिसमें उसकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। संतुष्टि के लिए एक और निजी लैब से टेस्ट करवाया गया तो वहां भी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। इसके बाद परिजन शिकायत लेकर बर्सर अस्पताल पहुंचे तथा स्वास्थ्य अधिकारियों से कान जाने का प्रयास किया। हालांकि इस बीच घटनाक्रम में राजनीतिक एंट्री भी हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी रमेश शर्मा अपने समर्थकों के साथ अस्पताल परिसर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। 26 को हिमाचल आएंगे राजनाथ सिंह, भदौली में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को करेंगे सम्मानित। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को हिमाचल प्रदेश में भदौली कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। उनके स्वागत के लिए जोरों से तैयारियां चल रही है। राजनाथ सिंह प्रदेश पहुंचकर राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को सम्मानित करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति के प्रमुख लेख राज राणा ने शनिवार को बताया कि रक्षा मंत्री भदौली कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की मंडी रैली को बताया पूरी तरह से असफल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी में युवा संकल्प विजय रैली को पूरी तरह से असफल करा देते हुए इसे चुनावी रैली बताया है। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश की जयराम सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करने और करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं की है जिससे देश प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर कोई अंकुश लग पाया हो। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की इस रैली के लिए प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए पर प्रदेश को इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हेडमास्टर गैर हाजिर, शिक्षक भी गायब, लंच पर मिड डे मील पकाने की बजाय बच्चों को भेजते थे घर। स्पीति के राजकीय उच्च विद्यालय डेमुल में एडीसी अभिषेक वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यकारी हेडमास्टर शेरिंग दोरजे स्कूल में अनुपस्थित पाए गए। जब स्कूल रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की तो पता चला कि स्कूल मुखिया ने कोई अवकाश नहीं लिया था। स्कूल में कुल 7 शिक्षकों में से मात्र 2 शिक्षक ही स्कूल में उपस्थित पाए गए। इसके अलावा स्कूल में एक भी विद्यार्थी मौजूद नहीं था। शिमला के चावा पंप हाउस में लैंडस्लाइड, पंपिंग स्टेशन में पानी घुसने से करोड़ों रुपए का नुकसान। राजधानी शिमला को पानी लिफ्ट करने वाली शिमला जल प्रबंधन कंपनी की चावा पेयजल परियोजना के पंप हाउस में भारी भूस्खलन होने से पंप हाउस पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। भूस्खलन होने के बाद से ये पूरा प्रोजेक्ट झील में तब्दील हो गया है जिससे पंप हाउस में रखे पैनल और मशीनरी को काफी नुकसान हुआ है। भूस्खलन होने के कारण पानी का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया जिससे परियोजना के बाहर लगी सेफ्टी बाउंड्री वॉल भी टूट गई है जिसके बाद पूरी पंपिंग स्टेशन में पानी घुस गया और पूरा पंप हाउस जलमग्न हो गया है। इससे करोड़ों रुपए की राशि का नुकसान हुआ है। कोरोना वायरस अपडेट, हिमाचल में कोरोना से महिला की मौत।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मंडी जिले में 64 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। वहीं 37 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 4, कांगड़ा 9, कुल्लू 2, लाहौल स्पीति 1, मंडी के 10, शिमला 8, सिरमौर 2, सोलन का 1 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 10 मरीज स्वस्थ भी हुए। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 312,100 पहुंच गया है। वर्तमान में 194 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वेदर अपडेट। हिमाचल में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। हिमाचल में मानसून विदा होने से पहले खूब बरस रहा है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता की वजह से बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के आधे ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो रहा है। कुल्लू, चंबल, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले की चोटियां बर्फ से लकदक हो गई है। राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश भागों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य में हो रही भारी बारिश से बड़े पैमाने पर फार्मर्स के ठप पड़ने से बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही भूस्खलन से कई सड़कें भी बाधित हो गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी और चंबा में बाढ़ आने की चेतावनी जारी की और सैलानियों से स्थानीय लोगों को नदियों व नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त मौसम विभाग ने आगामी 28 सितंबर तक प्रदेश भर में मौसम के खराब रहने की संभावना जताई है।